देखो ध्वनि तरंग, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। क्या है ध्वनि? एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम पढ़ते हैं ध्वनि तरंग के अंदर, ठीक है। ध्वनि तरंग जो है ये एक प्रकार की क्या है ध्वनि तरंग, बताओ। कल हमने क्या पढ़ा था? तरंगे दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहते हैं। तो जो कल हमने अनुदैर्ध्य तरंग पढ़ी थी, यांत्रिक तरंग के दो प्रकार थे, कौन कौन से? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो ध्वनि तरंगे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्वनि तरंग में आप लिख सकते हैं कि ध्वनि तरंग यह है एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे, यह है एक प्रकार की क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और क्या इसके बाद? तरंग है। और बात क्या है इसके अंदर नेक्स्ट? ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? देखो जो ध्वनि तरंग है ना, इसमें ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में श्रोता के कानों तक पहुंचती है। मतलब श्रोता कौन होता है? जो सुनने वाला होता है, श्रोता के कानों तक, के कानों तक ध्वनि किसके रूप में पहुंचती है? विक्षोभ के रूप में। किसके रूप में पहुंचती है? विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस होता है। विक्षोभ के रूप में पहुंचती है, ठीक है, विक्षोभ के रूप में पहुंचती है। और जिससे कान के पर्दे में क्या होता है? स्पंदन होता है। जिससे कान के पर्दे में, कान के पर्दे में क्या होता है? स्पंदन होता है। स्पंदन होता है। अब देखो कान का पर्दा बताऊं कैसा होता है आपको? बताओ कैसा होता है कान का पर्दा? तो मैं स्पीकर सुनाएं, उसको आप छोटी सी बैटरी में आपने लगाया होगा कभी ना कभी। कान का पर्दा फट जाए तो सही नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं, पता है ना। लेकिन स्पीकर का अगर पर्दा फट जाए तो हम उसको दोबारा मिस्त्री के पास बंधवा लाते हैं, समझ रहे हो ना। हाँ, स्पीकर सही कर देता है, लेकिन कान का पर्दा बहुत कम कीमत पर होता है कि सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद ये तो ध्वनि की थोड़ी सी बात थी इसके अंदर, ठीक है। तो ध्वनि क्या है? विक्षोभ तरंग के रूप में हमारे कानों तक पहुंचती है। विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, ठीक है। ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों का एक प्रकार है, इसलिए ध्वनि तरंगों को संचरण हेतु किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगें ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती हैं। अच्छा एक बात आप बताओ मुझे कि ये तीनों माध्यमों में क्यों संचरित होती है? कल तक हमने ये पढ़ा था कि जो अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग कल पढ़ा था ना आपने, अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो ये किस किस में होती है? ठोस में और द्रव की सतह पर। ये तो आपने सीखा ही था ना कल। तो अगर आपको पहले वाला चैप्टर समझ में आएगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये क्या है? आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। और आपने अनुदैर्ध्य तरंग की अगर बात की थी तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या सीखा था आपने? ये तीनों तीनों उसमें होती है, माध्यमों में, ठोस में और द्रव में और गैस में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है जो ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में संचरण हो सकता है इसका। उसके बाद वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। वायुमंडल में देखना आप, किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण, ठीक है, ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। देखो ध्वनि तरंगें, तीसरा पॉइंट क्या है? ध्वनि तरंगें कहां पर? निर्वात में क्यों नहीं कर सकती संचरण? निर्वात में संचरण
नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। आप एक बात को ध्यान से सुनो, वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहते हैं। मान के चलो कि एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या भरा हुआ है? कुछ भी नहीं है। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर वैक्यूम है। क्या है इसके अंदर? वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। इसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम का मतलब क्या है? निर्वात। निर्वात में कुछ भी नहीं होता है वैसे, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ध्वनि तरंगें किसमें? निर्वात में गमन नहीं करती, मतलब कि संचरण नहीं कर सकती। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर सामान्य रूप में व्यात नहीं कर सकता बिना किसी यंत्र के उपयोग के। इसी कारण, यही कारण है सबसे पहले, इसी कारण कौन अंतरिक्ष यात्री? अंतरिक्ष यात्री किसे कहते हैं बता सकता है कोई? बताओ, जो चंद्रमा पर जाता है। तो इसी कारण अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर, किस पर? चंद्रमा पर बिना किसी यंत्र के, बिना किसी यंत्र के। और यंत्र क्या काम कर रहा है उसका? माध्यम का। बिना किसी यंत्र के बात नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। तो इसका मतलब अगर कोई यात्री अंतरिक्ष यात्री है, ठीक है, तो अपन उसमें क्या 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 लिख सकते हैं कि उसमें निर्वात नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? निर्वात, ठीक है ना। तो देखना, ध्वनि तरंग तीन प्रकार की होती हैं। ध्वनि तरंग कितने प्रकार की होती हैं बताओ? ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की होती हैं बताओ? तीन प्रकार की। एक प्रकार, कितने प्रकार है ध्वनि तरंग के प्रकार बताओ? प्रकार कितने होते हैं बताओ? तीन। कौन कौन से होते हैं बताओ? कितने प्रकार के होते हैं बताओ? तीन प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा होता है बताओ? देखो, पहला प्रकार होता है इसके अंदर, पहला प्रकार बताओ कौन सा है? श्रव्य होता है क्या? श्रव्य तरंग। दूसरा होता है, दूसरा कौन सा है? अपश्रव्य। और तीसरा? हाँ, पराश्रव्य। तीसरा क्या है? पराश्रव्य। ठीक है, तो तीन प्रकार की क्या हो गई? तरंगें होती हैं, इनको आपको याद रखना है। लेकिन आप इसमें इंग्लिश भी याद रख सकते हैं इनकी, इंफ्रासोनिक, सोनिक, अल्ट्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं, देखो, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंफ्रासोनिक। इसको क्या बोलते हैं? सोनिक। और इसको क्या बोलते हैं? अल्ट्रा सोनिक। ठीक है, तीन प्रकार की क्या होती हैं? ध्वनि तरंगें होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंग तीन प्रकार की होती है। पहली होती है अपश्रव्य तरंगे, दूसरी होती है श्रव्य तरंगे, तीसरी होती है पराश्रव्य तरंगे। याद रखना है आपको कि जो परा अपश्रव्य तरंगे हैं 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगे हैं, 20,000 से कम। और श्रव्य 20 से 20,000 हर्ट्ज तक वाली तरंगों को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, और पराश्रव्य 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। उसके बाद
आप ध्यान रखना, जो अपसरणीय तरंग है भूकंप से उत्पन्न तरंग, आप रात को सोते रहते हैं और भूकंप आ जाता है पता ही नहीं चलता अपन को, इसका मतलब क्या है 20,000 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंग, समझ में आया ना। और ज्वालामुखी से उत्पन्न तरंगे जो होती हैं वो भी अपसरणीय होती हैं, कम ऊर्जा ग्रहण करती हैं और अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण कम दूरी तक जाती हैं। आप इस बात को कैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप ये देखो कि जो तरंगे थी ना, आपने तरंग जब पढ़ी थी, तरंग में एक क्या है, ऐसे कणों की ये गति है, मतलब जो है ये मतलब उसकी तरंग गति की दिशा है। आप इस तरंग गति की अगर दिशा की हम बात करें तो आप इसको देखो ध्यान से थोड़ा सा एक बार, इसमें क्या था, इस प्रकार से ये क्या था सुरंग और ये क्या था गर्त, और फिर क्या ये क्या था सुरंग और ये क्या था यहाँ पर गर्त, यही था ना, बताओ। तो आप देखो कि एक बात सुनो, इसको हम सुरंग कह रहे थे ना, बताओ कह रहे किसी ने, कह रहे थे ना, और ये क्या है गर्त, ये क्या है सुरंग और ये क्या है गर्त। आप समझने की कोशिश करो, एक सुरंग और एक गर्त की अगर हम बात करेंगे यहां तक, तो मतलब एक कंपन हो गया ना, फिर वापस से चलेंगे तो इसका मतलब यहां से यहां तक कितना कंपन, दो कंपन, कंपन कितने हो गए। अच्छा ये दूरी है, इसको हम तरंग दैर्ध्य कह रहे हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है बताओ, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्ब्डा से दर्शाते हैं, ठीक है, लोमड़ी नहीं लैम्ब्डा। अब ये तरंग दैर्घ्य मतलब कि दूरी, तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है मीटर होता है ना, तरंग दैर्ध्य मतलब दूरी तो है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब आप सोचो कि हम यहां से यहां तक जाएंगे दूर तक, और दूर तक की डिस्टेंस तय करती है, अगर दूर तक की अगर हम डिस्टेंस तय करते हैं तो हमें जोर तो पड़ता ही पड़ता है, सिंपल सी बात है। तो मतलब कि अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण कम दूरी तक जाती है, कहने का मतलब अधिक तरंग दैर्ध्य है वहां तक, ये तरंग दैर्ध्य नहीं यहां से यहां तक, फिर आगे तक भी तरंग दैर्ध्य, तो अधिक तरंग दैर्ध्य होगी तो हम दूरी का क्या तय करेंगे, कम तय करेंगे, समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर हमने कम तरंग दैर्ध्य की बात अगर चले तो हम दूरी क्या करेंगे, अधिक तय करेंगे, मातारी नहीं समझ में, बताओ मतलब कि तरंग दैर्ध्य क्या है आगे तक है ना, अगर हम अधिक तरंग दैर्ध्य तक जाएंगे तो हम दूरी तय करेंगे कि हम थक गए हम बैठ गए यहीं पर, मतलब कि आगे नहीं जाएंगे। तो तरंग दैर्ध्य मतलब अगर अधिक है तो दूरी हम तय करेंगे, दूरी हम कम तय करेंगे, और यदि हमें कम तरंग दैर्ध्य की बात अगर मुझे यहीं तक जाना हो तो फिर हम यहां तक आने के जाने के बाद क्या कहते हैं कि और आगे चल देंगे, इसका मतलब दूरी क्या तय करेंगे, अधिक तय कर सकते हैं, बात आ रही समझ में। अब उसके बाद आती है सर्वीय तरंग, ये 20,000 हर्ट्ज तक, और इसको मनुष्य सुन सकता है कि नहीं सुन सकता बताओ, नहीं ऐसा नहीं है, मनुष्यों की जो आवाज है ना, मनुष्य से आवाज, जानवरों से कोई आवाज, बांसुरी की कोई आवाज, सहनाई वे ढोले ढोल की कोई आवाज अगर हम सुन सकते हैं तो वो तरंगें कौन सी हैं, श्रव्य तरंग है। बात क्लियर समझ बैठ गई नहीं बैठी, ठीक है, मनुष्य से उत्पन्न आवाज आप ऐसे लिख सकते हैं, भूलेंगे नहीं, उत्पन्न आवाज को, ठीक है, और जानवर से उत्पन्न आवाज, बांसुरी से उत्पन्न आवाज, सेनाई में ढोल की आवाज, ठीक है, उससे आप अगर मान लो उन आवाजों को हम सुन सकते हैं तो हम डेफिनेट कहेंगे कि यह श्रव्य तरंगे होती है, क्लियर है ना। तीसरा नंबर आता है पराश्रव्य तरंगे, तीसरा कौन सा आता है पराश्रव्य तरंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंग को पराश्रव्य तरंग कहते हैं, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली आवृत्ति क्या होती है इनकी अधिक, तरंग दैर्ध्य क्या होती है, हमने यहां पर भी बताया आपको कि तरंग दैर्ध्य कम और आवृत्ति का मतलब क्या है, आवृत्ति का मतलब क्या है, मतलब कि जो दूरी है ना वो क्या है, दूरी क्या होगी बताओ, ज्यादा होगी ना, तो दूरी मतलब आवृत्ति कहने का मतलब, ठीक है। बंदर, डॉल्फिन, कुत्ते, चमगादड़, बिल्ली आदि इसकी आवाज को सुन सकते हैं, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर तक की आवाज को सुन सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो कुत्ता होता है वो 50,000 हर्ट्ज तक की आवाज को क्या कर सकता है, सुन सकता है, याद रखना है आपको,
और चमगादड़ जो होता है वो 1 लाख हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है। पराशर भी तरंगों का उपयोग तो सोनार में भी, सोनार के सिस्टम में भी किया जाता है, और सोनार सिस्टम को तो आप समझते ही होंगे। इसका पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग? ये क्वेश्चन एक बार वन विभाग में मेरे खुद के एग्जाम में आया था, और भी कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। एक सोनार होता है, दूसरा क्या होता है? रडार। क्या होता है? रडार। आप उसको भी आप यहां लिख सकते हैं, रडार को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? आर ऐसे बनता है रेडियो, आर ऐसे बनता है रेडियो, और डी से बनता है डिटेक्टिंग, डिटेक्टिंग डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। एंड क्या होता है? रेंजिंग, ठीक है। अच्छा एक बात और, सोनार का प्रयोग कहाँ किया जाता है बता दूंगा आपको, ध्यान से सुनना। समुद्री गहराई का पता लगाने में, कि समुद्र कितना नीचे है इसका पता लगा लेता है, समुद्र कितना नीचे है। और आप देखो आप चंद्रमा कितनी ऊपर है, चंद्रमा तो मतलब कितनी ऊपर है, लेकिन हम क्या है सीधे जा रहे चंद्रमा पर, तो बीच में पानी थोड़ी है, लेकिन ये पानी के अंदर पता लगाता है, कौन? सोनार। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। और समुद्री गहरे का पता लगा लिया, अब जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में, आपने देखा होगा समुद्रों के अंदर बड़े 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 जहाज डूब जाते हैं, पानी के अंदर बड़े बड़े समुद्र भी डूब जाते हैं। समुद्र कैसे होते हैं बताओ? समुद्र अगर मान लो हम बात करें कौन सा समुद्र है, समुद्र के अंदर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, और जहाज गांव की तरह होते हैं, पता हो तो आपको, तो वो डूब जाते हैं, उनका पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सिग्नल भेजने में, सोनोग्राफी की मशीन में, कैसे आपके पथरी पेट में कहां पर है? यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, मतलब समझ रहे हो ना? सोनोग्राफी क्यों करवाते हैं? अरे कई बार आपने देखा होगा सोनोग्राफी में क्या होता है, पथरी सोनोग्राफी से निकलती है, ठीक है। एक्सरे क्यों करवाते हैं? कहां से टूटी हड्डी, कहां से टूटी है? इधर से टूटी है भाई, तो कैसे पता लगता है उसका? उसका पता लगाता है ये सोनार, उसके अंदर किरणें होती हैं, सोनार किरणें बोलते हैं उनको। तो सिग्नल भेजने में, सोनोग्राफी में, अल्ट्रासोनोग्राफी में, कीटाणु नष्ट करने में अल्ट्रासोनोग्राफी, और कलर सोनोग्राफी भी होती है, उसके अंदर इस सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो आपको परासर्वे तरंगें लिखनी है, और परासर्वे तरंगों के अंदर पता लगाना है कि सोनार किससे संबंधित है। तो सोनार याद रखना परासर्वे तरंगों से संबंधित है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं जो हमसे होते नहीं है, ठीक है। तो आज तक हमने ध्वनि तरंग के अंदर 3 टाइप पढ़े, आप सर्वे तरंगे, श्रव्य तरंगे और परासर्वे तरंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम कल ध्वनि से संबंधित और ध्वनि के प्रमुख गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।